यारी के बारे में कुछ बताइए। नंबर वन यारी विद स्वप्निल मैकडॉवल, नंबर वन सोडाज, नंबर वन यारी विद स्वप्निल, पावर्ड बाय द व्यू ऐप इन एसोसिएशन विद एंगेज ऑन। 18 फरवरी से हर रविवार शाम 6 बजे कलर्स मराठी पे शुरू हो रहा है। मराठी, जैसे सर ने अभी कहा, ये मराठी फन शो है। जनरली चैट शो होता है, टॉक शो होता है, कुकरी शो होता है। आई थिंक पहली बार हम एक फन शो मराठी में ट्राई कर रहे हैं एंड आई एम होस्टिंग दिस। सर इज़ प्रोड्यूसिंग एंड डायरेक्टिंग द शो। यारों का शो है, यारों ने बनाया हुआ शो है और हम सब के अंदर एक यार होता है, तो यारों के लिए बनाया हुआ शो, तो इट इज़ ऑफ द फ्रेंड्स, फॉर द फ्रेंड्स, बाय द फ्रेंड्स। सर, इंडस्ट्री में एक डायलॉग काफ़ी फेमस है कि इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। वाह। और ये जो शो है वो यारों के लिए है, तो इस स्टेटमेंट को आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंडस्ट्री में दोस्त नहीं है, और जो दोस्त हैं वो इंडस्ट्री से बाहर होके दोस्त हैं, उनकी दोस्ती उनको इंडस्ट्री से ज़्यादा अहम है, इसलिए वो इंडस्ट्री कहीं छोड़ के, कहीं दूर छोड़ के अपनी ज़ाती ज़िंदगी में दोस्ती करते भी हैं और निभाते भी हैं। सर, आप बताइए, एज अ डायरेक्टर सर आपके साथ में फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो जब नहीं, मैं सर के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, बहुत काम किया। तो जब आप सेट पे थे तो वो एज अ फादर आपको ट्रीट करते थे या फिर वो एज अ डायरेक्टर आपको ट्रीट करते? नो, आई थिंक एज अ फादर, बिकॉज एज अ डायरेक्टर वो इतने कॉम्पिटेंट है कि उनको काम निकालना आता है, तो वो उनको वो ना डर है, ना इनसिक्योरिटी है, ना वो है कि फिर काम कैसे निकलेगा। सो आई थिंक एज अ डायरेक्टर ही डजंट वर्क एनी मोर, इट्स अ रिफ्लेक्स। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे वो डायरेक्शन करते, तो उसके लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे मेहनत नहीं है। जब पंखा सबसे तेज़ घूमता है तो हमें वो स्थिर नज़र आता है। सो आई थिंक इट इज़ सिंपल इज़ मोस्ट डिफिकल्ट। तो बट आता मराठीमध्ये म्हणतात आंघोळणी पडलं आहे, त्यामुळे आय थिंक इट ट्रीट्स ऑल ऑफ अस लाईक, इनफॅक्ट नॉट जस्ट मी, द एंटायर युनिट ही ट्रीट्स लाईक अ फादर, बिकॉज दॅट आय थिंक दॅट इज हिज बेसिक इन्स्टिंक्ट एज अ पर्सन, केअर करना, प्यार करना, आय थिंक इट्स अन इन्स्टिंक्ट। तो इन्स्टिंक्टिवली वो वैसे हैं, तो सिर्फ मेरे साथ ऐसे ऐसे नहीं, दॅट इज हाऊ ही बिहेव्स ऑन द सेट एंड नॉट जस्ट दिस सेट, एनी सेट। ये उनका प्रोडक्शन है, लेकिन अगर उनका प्रोडक्शन नहीं हो, और वो अभी तो बहुत सालों से नहीं, बट पहले जब किसी और के लिए फिल्म बनाते थे तब भी, तो ही इंस्टिंक्टिवली ही इज अ केयरिंग पर्सन। सो आई थिंक ही ट्रीट्स एवरीबडी लाइक अ फादर, लाइक अ फादर, लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ ब्रदर, इन विच एवर रिलेशन यू पुट हिम। बट आई थिंक दैट इज द बेसिक, इसलिए वो वार्मथ है, इसलिए वो पॉजिटिविटी जो आपको प्रोमोज में भी दिखती है, वो इसीलिए है क्योंकि देयर समबडी गाइडिंग यू ऑल थ्रू आउट कि ऐसा नहीं ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करते, विदाउट हर्टिंग योर क्रिएटिव फ्रीडम, विदाउट हर्टिंग योर क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स, जस्ट मनूवरिंग यू जितना ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है उतना ही, एंड टेकिंग यू टू द राइट पाथ। सर, साई और शरद की अभी एक मूवी आ रही है राक्षस, तो साई को हमने जैसे देखा प्रोमो में, वो शो पर आई थी, तो क्या वो मतलब अपने फिल्म का प्रमोशन? नहीं, ये शो प्रमोशन का नहीं है, ये शो इमोशन का है, और वो इमोशन जो है वो फन रिलेटेड इमोशन, बिकॉज मेरे ख्याल से खुशी भी एक इमोशन है, आनंद भी एक इमोशन ही है, तो वो आनंद, वो हैप्पीनेस, उसको लेकर, उसको बेस करके ये शो हुआ है। किसी फिल्म को, मतलब हम तो दुआ करेंगे कि सबकी फिल्में चलें, लेकिन इस शो के माध्यम, इस पर्टिकुलर शो के माध्यम से प्रमोशन नहीं हो रहा है फिलहाल। तो सर, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि आपकी सारी फैमिली जो है वो इस शो से जुड़ी हुई है, तो ऑल इन ऑल आप लोगों ने कितना इन्जॉय किया इस शो को शूट करते वक्त? बहुत ही ज़्यादा किया, मतलब जितना अभी क्या एन्जॉयमेंट इज़ अ थिंग कि जितना करो उतना कम है, तो हम तो और भी चाहते हैं कि और ज़्यादा एन्जॉय करें। हाँ, और लकीली उसके लिए हमको शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती शो हम कर ही रहे हैं, एन्जॉय हम करते ही रहते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि हमको अपने रिलेशनशिप का जो आनंद है उसको भी किसी को शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।